उनको भी ये अगर दिखे या पता चले और वो यहाँ आज के टाइम में जिंदा हो तो सबसे पहले झापड़ वही लगाएंगे गैस कॉमेडी क्या होती है जिससे थोड़ी बहुत हंसी आ जाए थोड़ा स्ट्रेस जो इतना लाइफ में मिला हुआ है वो कम हो जाए मूड लाइट हो जाए आप का ऑफिस में अपने कलीग से झगड़ा हो गया बॉस ने सबके सामने झाड़ दिया सामने वाला जो नेबर है उसने अभी अभी लग्जरी कार ली है लिया बीएमडब्ल्यू लिया और आपकी हैचबैक में कोई बैठती नहीं जो पत्नी है उससे बन नहीं रही है आजकल शेयर मार्केट डाउन हो गई है स्ट्रेस और बिल्डअप हो रहा है उम्र बढ़ती जा रही है और झुरियां बढ़ती जा रही हैं मोटापा आता जा रहा है स्ट्रेस बिल्डअप होता जा रहा है फिल्म देखते हो बीवी के साथ बीवी कहती है देखो उसकी जॉन इब्राहिम की सिक्स पैक तुम अपने को देखते हो मिरर में तुम कहते हो यार स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है तो स्ट्रेस बिल्डअप होता है इंसान का तो इंसान को लगता है मूड लाइट किया जाए तो जाता है इंसान या तो कॉमेडी स्टैंड अप देखने या यूट्यूब पे देख लेता है टीवी पे देख लेता है चलो कॉमेडी देखते हैं और मिलता क्या उसको कॉमेडी के नाम पर हेट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एक बंदे के पीछे पड़ जाना मतलब तो राहुल अच्छा नहीं लगता तो राहुल अच्छा बोले गंदा बोले जो भी है वो मूर्ख है मोदी अच्छा नहीं लगता तो मोदी चाहे जो भी अच्छी पॉलिसी निकाले जो भी अच्छा काम करे पाकिस्तान को करारा जवाब दे चाइना के अगेंस्ट करारा जवाब दे अगर मोदी से नफरत करते हो तो मोदी तो गंदा है यह जलाने की बात कर रहा है कोविड के टाइम पे जैसे कम्युनिटी हार्मनी बढ़ती है कई लोग फियर में रहते हैं उनको प्रेरणा मिलती है पर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है

हम एक इंसान या इंडिविजल या गवर्नमेंट या एंटिटी के पीछे पड़ जाते हैं हम एक सब्जेक्ट की, की बात क्यों नहीं करते हम डिसीजन की बात क्यों नहीं करते ये कॉमेडी का स्टैंडर्ड क्यों है इन से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और तब से सत्रह अठारह साल से मैं कॉर्पोरेट लाइन में ही हूं अभी भी हूं यूट्यूब के साथ साथ कर रहा हूं तो हम ना शुरू शुरू में जो नया नया आया था गुड़गांव में तो स्टैंड अप देखने जाया करते थे और स्टैंड अप के नाम पर वहां क्या होता था बच्चे आते थे और वो गाने बगते थे और ना एक दूसरे को देखा देखी अरे वो हंस रहा है मुझे भी हंसना है तो देखा देखी हंसते थे मैं हिंदू हूं एक मेरा फ्रेंड है मुसलमान तो मेरे हिंदू जोक्स पे मैं तो हंस रहा हूं पर वो मुसलमान होते हुए वो नहीं हंस रहा उसको शर्म आ रही है तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट करना आ, कॉमेडी क्यों है? कॉमेडी बी एन एक्सप्रेशन कैन मेक यू लाव बट वाई आजकल के जो स्टैंड बचता है और उसके बाद या तो आप किसी गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाओ और उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ चाहे वो अच्छा करे बुरा करे या आप किसी के रिलीजन के पीछे पड़ जाओ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ डूइंग दिस

देखा गया कि हिंदू रिलीजन का बहुत मजाक बनता है Guys, जो को जॉक की तरह लेना चाहिए आई एग्री पर जब आप बहुत ज्यादा ओवर किसी की रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करते हो किसी भगवान को नेम्स देते हो लॉर्ड गणेश लेकिन आई टी इंजीनियर

Right? He, he <laughs> ट करते हो चीज बहुत गलत है और आप ठेस क्यों पहुँचा रहे हो किसी के भी रिलीजियसेंटीमेंट को बिकॉज रिलीजन है इंडिया मेंज ऑलमोस्ट लाइक अ फेथ और फेथ से बहुत लोगों को स्ट्रेंथ मिलती है जस्ट ड्रॉ सम लाइन कैन वी स्टॉप गोइंग बिलो द बेल्ट और वो सब छोड़ दो पॉलिटिकल फिगर्स वगैरह छोड़ दो पर आइकॉनिक फिगर्स जिनसे प्रेरणा मिलती है जो टेक्स बुक्स में भी हैं जो हमारे एपिक्स हैं उनको छोड़ दें तो क्या प्रॉब्लम है वी कैन मेक सम फिक्शन वाई कैन वी मेक फिक्शन वाई वी हैव टू टेक नेम्स ऑफ द गॉड्स वाई वी हैव टू टेक नेम्स ऑफ द आइकॉनिक फिगर्स लाइक महाराणा प्रताप तो हमारे ना कॉमेडी में बहुत सारे लूपल्स हैं और उस पर बहुत काम होना चाहिए प्रॉब्लम नहीं इन स्टैंड अप कॉमेडींस की भी नहीं है जब इनको सिखाया जाता है जैसे अग्रिमा Uh, खुद ही बोलती भाई गई, मैं तभी मिलती है जब जब तक बीजेपी के uh, गेंस दो चीज़, चार चीज़ें ना 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 बोलो क्या होता है कॉमेडी वेन्यू uh, पे पे दो 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 सीनियर कॉमिक्स खड़े रहते हैं बोलते मोदी जो बोल वरना अंदर नहीं आने देंगे <laughs> <laughs> एक कल्ट भी बन गया जो कॉमेंट है उसके अगेंस्ट बोलना, के गेंस बोलना देना तो cool. जिससे आप प्रभावित हो रहे हो जिससे आप सीख रहे हो वही आप कर रहे हो तो ये कल्चर चेंज थोड़ा सा माइंड चेंज धीरे धीरे होना चाहिए आई थिंक दिस इज अ गुड ऑफ ऑफ दैट सम कॉमेडियंस हैव अपोलोजाइज तो खत्म हो जानी चाहिए बिकॉज अगर आप अपोलोजाइज कर रहे हो तो मतलब आपने एक लेसन लर्न कर लिया और आगे से ऐसा काम नहीं करोगे पर हैविंग सेट दैट वाइल्ड कॉमेडियंस नीड टू लर्न अ लेसन मुझे लगता है कि जो दूसरी साइड है जो एक दो लड़के हैं जिन्होंने रेप थ्रेट्स दिए आई बिलीव वो तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल है <laughs> और फनी कब होगा पता है जब इंग्लिश में तेरे को बोलता हूं वेन आई विल फक यू फ्रॉम बिहाइंड यू नो सपेरा अट लाइक अ स्नेक माई कॉक विल गो लाइक स्नेक यू नो फ्रॉम योर एट्रीज प्रिया एंड कम आउट फ्रॉम योर माउथ दैट विल बी सो फनी कितना फनी होगा नहीं मजा आ जाएगी अगर एक सोशल मीडिया पे आके स्पेशली यू नो अगेन यू नो आई फील अगर कोई रेप थ्रेट दे रहा है अगर कोई गालियाँ बक रहा है अगर कोई सोशल मीडिया पे आके बार बार उसको शबाशी मिल रही है गाली देने से बिकॉज उसको वो भी किसी से प्रभावित है या उसको लग रहा है कि भाई दिस इज द वे आई कैन बी द हीरो ऑफ माई नेशन बिकॉज अगर मैं किसी को गाली देता हूँ तो मैं उसको धमका रहा हूँ उसको वॉन कर रहा हूँ उसको, उसको चुप करवा रहा हूँ देर आर लॉट ऑफ आइडियोलॉजीज एंड लॉट ऑफ पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग दीज रॉन्ग आइडियोलॉजीज़ तो उसमें होता क्या कि उस लड़के की भी गलती नहीं है अगर उस लड़के की एजुकेशन सही नहीं मिली अगर वो लड़का कोई काम नहीं कर रहा उसको दिखता है कि भाई ऐसे वीडियो बनाने से मेरे को इतने फॉलोअर मिल रहे हैं उससे मुझे एड रेवेन्यू मिल रहा है मेरा नाम हो रहा है मैं बहुत बड़ा हीरो बन रहा हूं तो यार अगर उसको कोई मेंटर नहीं करेगा तो उसको कहीं रोकेगा नहीं और ये चलता रहेगा अगर वो देख रहा है कई लोग कर रहे हैं तो देखा देखी वो भी अगर करेगा मुझे नहीं लगता ये इंसान बुरा है ये जो बोल गया बिकॉज उसको वो एक वेव में था ये वे में था उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे उसके व्यूज़ बढ़ रहे थे उसको लग रहा था ये हीरो वाली हरकत है जबकि हीरो वाली हरकत नहीं थी आ, मैंने इस पर एक दो वीडियोस बनाए थे इस इशू पे कि मतलब बाय अगर हम पाकिस्तान की भी किसी माँ बहन को अगर गाली दे रहे हैं सी वी हैव डिफरेंसेस बॉर्डर रिलेटेड डिफरेंस पॉलिटिकल डिफ्रेंस विद पाकिस्तान बट पाकिस्तान के किसी इंसान की माँ बहन भी तो माँ बहन ही है उनको उनको हम गंदे गंदे वर्ड गंदी गंदी गालियों से क्या हम देशभक्ति दिखा रहे हैं यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्या सिखा रहे हैं ये सब मैंने बोला था बट बहुत सारी हिट आई थी इनफैक्ट शुभम मिश्रा ने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाया था पता नहीं क्या-क्या मनगढ़ंत बातें करके i could not understand and then he asked people to send me lot of hate abuses a lot of uh, abuses lot of hate which came my way after that but that is what i was trying to do मुझे लग रहा था कि इन लोगों को मेंटोर नहीं किया जा रहा तो it was my attempt to mentor such kind of influencers और हुआ क्या एक और साहब uh, ने भी एक वीडियो बनाया जो भी जिनको भी अरेस्ट कर लिया गया दोनों रे ने रेप थ्रेट्स दिए ठीक है काम चलाने लायक है आगे बिस्तर में तो लेटा डालो भाई चड्डी निकालो डाल दो पर भाई मैं ऐसे नहीं छोड़ता हूं गाय उमेश दादा इम्तियाज आई डोंट नो हु दैट पर्सन रियल आइडेंटिटी उसने भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाया था उस टाइम पे कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूं uh, मैं लड़कियों को एक्सप्लोइ करता हूँ काम दिलवाने के लिए मैं अंधेरी में रहता हूँ मुंबई में रहता हूँ जो कि मतलब बिल्कुल बेसलेस अगर मैं उस चीज पर उसको लीगल एक्शन लूँ तो आई थिंक वो अगर अरेस्ट होने के बाद बाहर निकलेगा तो फिर से अरेस्ट हो जाएगा और वो वीडियो अभी भी है उसके YouTube चैनल पे समाओ आई डोंट नो और उसने बिकॉज वेन पीपल वर टॉकिंग टू हिम अबाउट माई कॉर्पोरेट लाइफ कई लोग कई लोगों को पता है यू नो देर लॉट ऑफ पीपल हुआ आई नो जो जाके कमेंट्स कर रहे होंगे जो भी है तो उसे कमेंट्स भी डिसेबल कर दिए बिकॉज व्यूज़ आ रहे हैं तो व्यूज़ की वजह से आप किसी के खिलाफ बेसलेस एक्जेशन डाल दो फिर उस बंदे ने उस बंदे ने उमेश दादा इम्तियाज जो भी है उस बंदे ने हिंदू गॉड्स के बारे में पहले बहुत कुछ अपशनाप बता था जैसे हम कॉमेडियंस की बात कर रहे हैं वो करते हैं उसके बाद वो पिट गए उसके बाद पिट गए तो उन्होंने अपने को हिंदू बता दिया और उसके बाद अपना नाम चेंज कर लिया तो और ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं लोग इतने सब्सक्राइब कर रहे हैं ऐसे लोगों को तो प्रॉब्लम वहां भी तो है गई तो कितने लोग जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो ये ये जो सारा कल्चर है जो माइंड कल्चर है चाहे वो कॉमेडियंस का अचीप कॉमेडी हो बेसलेस कॉमेडी हो बिलो द बेल्ट कॉमेडी हो और इस तरह की सोशल इन्फ्लुंस हो जिनको जो, जो पढ़े लिखे नहीं हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये शॉर्ट टर्म का जो फॉलोइंग है शॉर्ट टर्म का जो फेम है ये कभी भी आपको धरातल में लेके जा सकते हो उनको समझ नहीं आ रहा बिकॉज उनको मेंटर गलत किया जा रहा है तो आई बिलीव दिस इज़ अ गुड लेसन और मुझे लगता है किसी को भी रेप थ्रेट देना गाली देना भी गलत है मतलब मां बहन की गाली देना उसको स्लट बोना स्लट शेम वगैरह करना किसी भी किसी भी कंट्री पाकिस्तान हो इंडिया बिकॉज पाकिस्तान की अब बात कर करो उनको देशभक्ति दिखाने के एवज में अगर आप उनकी माँ बहनों को गालियां दे रहे हो तो कभी ना कभी तो आप इंडियन इंडिया में अपने देश में भी ये करोगे बिकॉज आपका माइंड सेट ऐसा बन गया कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो तो ये तो कभी ना कभी होना ही था गाइज तो आई थिंक इट्स अ गुड लेसन बिकॉज रेप थ्रेट्स तो आप नहीं दे सकते गालियां देना भी गलत है बट रेप थ्रेट्स आप किसी को डरा रहे हो धमका रहे हो देखो कई लोग ये बोलते हैं जैसे शुभम मिश्रा का एक स्टेटमेंट मैंने देखा बाद में एक वीडियो था कि भाई मैं थोड़ी खुद जाने वाला था मेरा मतलब ये नहीं तो ऑफकोर्स उसका मतलब ये नहीं होगा पर वॉट अबाउट द पीपल हु आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय योर वीडियोज जो प्रवोक हो रहे हैं वो तो उसके हैंडल पे भी जाएंगे डीएम भी करेंगे और हो सकता है फिजिकली भी उसको हर्ट करने की कोशिश कर सकें अगर उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाए फिजिकली देन हु रिस्पॉन्सिबल प्रवोक तो आप ही कर रहे हैं ना ऐसी बातें तो आप ही कर रहे हैं ना कि बाहर निकलेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा सो आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट और कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करती चाहे वो एक आर्टिस्ट हो चाहे एक पॉलिटिकल uh, फिगर हो चाहे एक एक्टर uh, हो या चाहे एक uh, आम आम लड़की हो कोई भी ये डिज़र्व नहीं करता दिस इज़ रियल बुलिंग एंड हैरेसमेंट और आई uh, होप uh, ये लड़का जो है शुभम वो बाहर आके uh, इस चीज़ को सीखे बिकॉज मुझे लगता है ही वुड हैव रियलाइज डिस मिस्टेक और कोई अच्छा काम करे जॉब करे बिकॉज माँ बाप को इस टाइम पे वेन दे रियली नीड अ चाइल्ड गेज आई स्टार्ट यूट वर्किंग वेन आई जस्ट फिनिश माई ग्रेजुएशन इन फैक्ट आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई फैमिली और सत्रह अठारह साल से मैं काम कर रहा हूँ जॉब नहीं छोड़ी यूट्यूब अच्छा चल रहा था सोशल मीडिया पर एक दो और रेवन्यू स्ट्रीम्स हैं कंसल्टिंग uh, भी कर रहा हूँ मैं बट जॉब नहीं छोड़ी बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंट पीपल ऑन मी तो मैं नहीं चाहता कि मतलब मैं इस सारे चक्कर में जॉब छोड़ के बैठ जाऊँ तो यू you नो know, ये मेच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आनी और ये रिस्पॉन्सिबल फील करना अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप तो जेल में चले गए आप हीरो बन के जो भी है पर आपने क्या एक बार भी सोचा था कि जो मैं कर रहा हूँ उससे क्या मेरी फैमिली के लिए रिस्क आ सकता है क्या उनको फेस करना पड़ सकता है तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड लेसन फॉर नॉट ओनली हिम बट सो मेनी पीपल हु आर कॉपिंग दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस कि गालियाँ दो सोशल मीडिया पर प्रोवोक करो यू नो बुली करो लोगों को गंदी गंदी बातें करो और फॉलोअर्स कमाओ तो दिस इज़ what I had टू से गाइज मैं किसी की साइड नहीं और मुझे ये भी लगता है कि जो छत्रपति शिवाजी है ना वो जितना भी मैंने उनके बारे में रीड किया और जितना भी सुना है और उनको भी ये अगर दिखे या पता चले और वो यहाँ आज के टाइम में जिंदा हो तो सबसे पहले झापड़ वही लगाएंगे ऐसे लोगों को जो कि लड़कियों को इतना बुरा भला इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर उमेश के या शुभम के जो कि दिखाते हैं कि मानसिक प्रवृत्ति ही थोड़ी साइको वाली बन जाती है इन लोगों की जब तक एक स्ट्रॉन्ग मैंटरशिप ना मिले तो आई थिंक दिस इज़ आई फील कि गाइज ये बहुत सही टाइम पे हो गया बिकॉज आगे आई डोंट नो कितने लोग ऐसे शुभम मेषराज और कितने उमेश दादा और बनते तो इसी टाइम पे रुक गया आई होप जितने भी लोग इस कगार पे होंगे जितने भी लोगों ने गाड़ी में बैठना शुरू किया होगा जितने भी लोगों ने इस तरह के कंटेंट को अपना कंटेंट बनाने की कोशिश करी होगी उनको इससे सीख मिली होगी एंड दैट इज़ आई हैव टू से आई एम नॉट विद एनी वन मुझे यहाँ कॉमेडियंस भी सही नहीं लग रहे उनको वो बहुत बिलो द बिल जाते हैं मुझे यहाँ ऐसे ये लोग तो बिल्कुल सही नहीं लग रहे रेप थ्रेट का क्या मतलब है यार मतलब आपकी माँ या आपकी बहन को कोई रेप थ्रेट करे तो आप बताओ ना आप पे क्या गुजरेगी तो जो चीज़ आप खुद एम्पिताइज़ करके आपको ठीक नहीं लगती तो आप किसी और के लिए कैसे कर सकते हैं सो दैट इज़ वेयर आई एंड दिस वीडियो गाइज टेल मी वॉट यू थिंक अबाउट द एंटायर इशू क्या आपको कॉमेडियंस यहाँ ठीक लग रहे हैं क्या आपको अगरेमा आदर ऐसे लोग ठीक लग रहे हैं क्या आपको कुनाल कामरा लग रहा है कि वो ठीक है या मौके पे चौका लगाता हुआ दिख रहा है क्या शुभम मिश्रा आपको लगता है उसको एक चांस मिलना चाहिए और वो अपनी गलती रियलाइज़ करेगा उमेश दादा जैसे लोग जो <laughs> कुछ भी कुछ भी नाप शिनाप वीडियोस बखते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट में आपको क्या लगता है मैं उस वीडियो का लिंक ज़रूर डालूंगा जो उन्होंने उमेश ने मेरे खिलाफ बनाया बिकॉज दैट इज कंप्लीटली बेसलेस मैं 18 साल से गुड़गांव में हूँ हाँ ज़रूर मैं एक थोड़े टाइम के लिए कनाडा में था दो साल के लिए मुंबई में था जब 2007 में मैं में था अपार्ट फ्रॉम दैट हैव ऑलवेज लिव इन गुड़गांव सो दिस वाइट क्वाइट फनी मैंने उस पर रिएक्ट पहले नहीं किया मुझे लगता अपने आप ही सबक मिल जाएगा ऐसे लोगों को और पर दिस गाय कुछ भी किसी के लिए बोल देना किसी के करेक्टर एसेसिनेट कर देना गंदी गंदी बातें करना आई डोंट थिंक दिस इज जस्टिफाइड टेल मी वॉट यू थिंक मैं यहीं ये वीडियो एंड करता हूँ बहुत लंबा हो गया बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस फ्रॉम माई हार्ट अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करिए लाइक करिए एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट टिल नाउ मैं एक और रिएक्शन में जल्दी से मिलूँगा तब तक के लिए शब्बा खैर खुदा हाफिस सत श्रीकाल राम राम शेज एंड गुड बाय